फ्रेंड्स, नीलू की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है और ये मैंने मूंग की सब्ज़ी बनाई है। मूंग की छोला बोल सकते हैं या तड़का बोल सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मूंग को रात में ही भिंगो करके रख दी थी और ये मैंने सुबह छान करके मूंग को रख ली हूँ। और ये मैंने कुकर में अब डाल देंगे मूंग को। और इसमें थोड़ी सी आधे गिलास पानी डाल देंगे और इसको हम 2 सीटी लगाने तक पकाएंगे। मूंग जल्दी ही गैस पक जाती है तो 2 सीटी में हो जाती है। और ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी है, बहुत ही कम तेल के साथ मैंने बना रही हूँ। इसमें जीरा, दालचीनी और 4 लौंग और लाल मिर्च और तेज़पत्ता मैंने तेल में डाल दिए हैं। और अब हम इसको पकने देंगे। ये पक चुकी है, अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे जो कि मैंने पहले से ही कट करके रखी है। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे, मिला लेंगे। ये आधा से ज़्यादा प्याज पक चुकी है, अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम 2 मिनट पकाएंगे। और अब हम इसमें मसाला डालेंगे। ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ी सी ही डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मसाला। और ये गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। मैं मसाला थोड़ा कम ही यूज करती हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा दे सकते हैं मसाले, जितना तीखा पसंद है। और इसको मैं 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा ढक के पकाएंगे इसको ताकि टमाटर भी पक जाए। अभी हम इसको अच्छे से फिर मिला लेंगे, चला लेंगे। और मसाला और टमाटर दोनों पक चुकी है, बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें उबली हुई मूंग डाल देंगे इस तरह से। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी सी नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इसमें। मैंने नमक डाल दी। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी सी पानी डाल देंगे, आप इच्छा अनुसार डाल सकते हैं जितना मर्जी। तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। और इसको हम अच्छे से मिला करके अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे
ये उबाल आ चुकी है। और ये मेरा मूंग की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। देखो अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी।